फिशरी प्रॉपर्टीज़ के CMD मनीष भाई शाह आज हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो उन्होंने यहाँ पे आज लॉन्च की। हमने आज यहाँ पे उलुए में दो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिनकी प्राइस 39 लाख है, और दोनागिरी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिनकी प्राइस 29 लाख है, 1 बेडरूम हॉल किचन और 2 बेडरूम हॉल किचन की 55 लाख है। और मैंने लोनावाला में, खंडाला में, समर हिल्स के बाजू में, मिसरी हेवन में एक बंगलों के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। क्या खासियत रहेगी आपके इन प्रोजेक्ट्स की? इस प्रोजेक्ट की खासियत यही है कि उलुआ जैसे सिटी में जहाँ पे एयरपोर्ट, स्टेशन, रोड सब नज़दीक है, वहाँ पे आपको 39 लाख में 1 बेडरूम हॉल किचन विथ मास्टर बेडरूम रेडी पोजिशन मिल सकता है। तो ये जो एफोर्डेबल वर्ग है उनके लिए ही हम ज़्यादातर बिल्डिंग बनाते हैं, और उनको ये 1 बेडरूम हॉल किचन, इतनी कनेक्टिविटी, ट्रेन भी जहाँ पे शुरू हो चुकी है वहाँ पे ये प्राइस में अगर 1 बेडरूम हॉल किचन मिलता है तो ये हमारी खासियत है। प्राइस नंबर 2, दोनागिरी में 29 लाख में हम 1 बेडरूम हॉल किचन दे रहे हैं। आज एक इनोवा कार अपन लेने जाते हैं तो उनकी भी एक कीमत 28 से 29 लाख होती है, जो डेप्रिशिएट होती है और ये एप्रिशिएट होता है। तो एक कार के प्राइस में हम 1 बेडरूम हॉल किचन दोनागिरी में रेडी पोजिशन देते हैं, तो ये भी हमारी एक खासियत है। और उसके बाद हमने जो थोड़ा सा खंडाला में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने 4 बेडरूम हॉल किचन विद क्लब हाउस, स्विमिंग पूल इंडिविजुअल 3 करोड़ में लॉन्च किया है। उसके भी फॉग वगैरह जो ब्यूटिफिकेशन है, व्यू है, वो उनकी खासियत है। इनकी खासियत अफोर्डेबिलिटी है उलुआ और दोनागिरी की। तो ये अलग अलग सेक्टरों में हमने कोशिश की है कि जो बेस्ट प्रोडक्ट वहाँ उस सेक्टर में दे सके हमने वो दिया है। लॉकडाउन के बाद पहली बार ये मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो हो रहा है, तो लॉकडाउन को नज़र में रखते हुए आपने क्या रेंजेस सेट किए हैं अभी तक? लॉकडाउन को नज़र में रखते हुए हमने रेंजेस एकदम अफोर्डेबल जहाँ तक हो सके, लेकिन उसमें क्वालिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए वो ध्यान रखा है, क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉस्ट कटिंग नहीं होता है। बट एमिनिटीज़ है, एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ है, वो अपन प्लस माइनस कर सकते हैं ताकि वो कॉस्ट, आज घर लेना इम्पोर्टेंट है, एमिनिटीज़ और एक्स्ट्रा क्लब एमिडीज़ वगैरह जो सेकेंड पार्ट हो जाता है। तो हमने जो आज ये ध्यान दिया है कि ये एग्जीबिशन में जो प्राइस को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं 29 लाख 39 लाख में, तो उसमें लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ये हमारी होप है। क्या अपील करना चाहेंगे आप आपके कस्टमर्स से, क्लाइंट से, कि वो आखिर में यहाँ पे नवी मुंबई में क्यों इन्वेस्ट करें? मेरी ये अपील होगी नवी मुंबई में लेने के लिए, क्योंकि नवी मुंबई इज़ अ वेल प्लान सिटी। इतनी प्लान सिटी में जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्कूल से लेके एजुकेशन से लेके हर चीज़ जो एक फैमिली को ज़रूरत होती है वो हर चीज़ यहाँ पे अभी अवेलेबल है। नवी मुंबई को अभी इंडिया के मैप में भी देखा जा रहा है, और उसमें अगर नवी मुंबई में आपको ऑटोमोबाइल के प्राइस में अफोर्डेबल में इतनी वेल प्लान सिटी में अगर घर मिल जाता है तो मेरी अपील रहेगी कि आप न्यू बॉम्बे में घर लीजिए। और न्यू बॉम्बे में फ्यूचर भी है, क्योंकि इतने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं वो सब फैसिलिटीज़ अभी न्यू बॉम्बे में ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसमें मेरी अपील रहेगी कि हर कोई यहाँ पे न्यू बॉम्बे में आए। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे मिस्ट्री प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने यहाँ पे आज लॉन्च किए। कैमरामैन घनश्याम गुप्ता के साथ मैं ईशा दर्जी, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।